हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं जो बहुत मज़ेदार और परफेक्ट लड्डू बने हैं। आप भी सीखना चाहते हैं परफेक्ट लड्डू बनाना तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए लड्डू मैं एक आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे बने हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, 1 कटोरी चीनी और थोड़ी सी इलायची और थोड़े बादाम को मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है और 1 कटोरी घी लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसमें पैन में घी डालूंगी, सिर्फ आधा कटोरी ही मैं इसमें घी डालूंगी। फिर बेसन को डाल लूँगी, 2 कटोरी जो बेसन लिया था उसे डाल लूँगी। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है और अच्छे से लो फ्लेम पर इसे चलाती जाऊँगी, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। घी और बेसन हमारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इसमें और थोड़ा मैं इसमें घी ऐड करूंगी। थोड़ा मैंने पहले ही डाला था, आधी कटोरी, और थोड़ा इसमें घी डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से हाथ को चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है, लो फ्लेम पर ही इसे भून लेंगे अच्छे से। देखिए मैं अच्छे से चलाते हुए इसे भून रही हूँ। एक साथ ही हमें इसमें घी नहीं डालना है, पहले अच्छे से भून लेना है। फिर अगर इसमें कम लगे, थोड़ा रूखा लगे, तो फिर और थोड़ा घी हम इसमें डालेंगे। अभी ये रूखा लग रहा है इसीलिए मैं और थोड़ा घी इसमें डालूंगी। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है और इसमें इतना घी डाल दूंगी। अगर ज़्यादा घी हो जाए तो लड्डू हमारे शेप के नहीं बनेंगे, इसीलिए हमें घी देखकर डालना चाहिए। इसे हमें अच्छे से भूनना है। मैंने घी डाला था, देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा बेसन अच्छे से भून रहा है। अगर हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो अंदर तक वो नहीं होगा, फिर खाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। और हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल नहीं भूनना है, लो फ्लेम पर ही भूनना है, तभी हमारे लड्डू अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अच्छे से मैं चम्मच को चारों ओर देख कर चलाते हुए बेसन को अच्छे से भूनूंगी। देखिए अभी ये हमारा बेसन जो है घी छोड़ने लगा है, अच्छे से भुन चुका है और कलर भी चेंज हो गया है, हमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। तब तक मैंने इसे 2 कटोरी बेसन लिया था तो 15 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पर भुना है, तभी ये अच्छे से रेडी हो गया है। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर लूँगी। 15 मिनट तो लगेंगे, आप अगर ज़्यादा बेसन लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने के लिए, भूनने के लिए। मेरा थोड़ा ही था, 2 कटोरी था, तो 15 मिनट लगे हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ और इसे चलाती रहूँगी ऐसे ही, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए, वरना ये अभी और ज़्यादा जल जाएगा ऐसे ही रखूँगी तो। मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी, वरना हमारा पैन गर्म होता है तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, जल जाएगा। चम्मच को थोड़ा हिलाते हुए मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। देखिए हमारा बेसन अब ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल लूँगी और इसमें शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी कर कर डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए और थोड़ी मैं चीनी इसमें डाल लूँगी, 1 कटोरी चीनी ली थी वो सारी इसे करेक्ट हो जाएगी। मैं सारी चीनी इसमें डाल लूँगी, मिक्स कर लूँगी। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारी शक्कर इसमें अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। अब जितने साइज के आपको चाहिए उतने से इसके लड्डू बना सकते हैं। ऐसे हाथों को दबाते हुए हम अच्छे से लड्डू बना लेंगे। हमारा मेजरमेंट परफेक्ट था तो लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। देखिए कितने गोल अच्छे से बन रहे हैं। हमारा जो बेसन है वो रूखा भी नहीं है। 1 कटोरी जो हमने घी लिया था वो हमारा मेजरमेंट परफेक्ट था। इस पर ऐसे थोड़े से बादाम को लगा लेंगे। ऐसे ही सारे लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
देखिए ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, अगर आप डालना चाहे तो ड्राई फ्रूट्स इसमें भी आप डालकर बना सकते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। देखिए मैंने ऐसे ही सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और वो सारे लड्डू एक साइज़ के बनाए हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।